ऑस्ट्रेलिया की चौकड़ी के सामने भारत की चौकड़ी, ऑस्ट्रेलिया के सत्ते पर भारत का सत्ता। हां, ऑस्ट्रेलिया के 5 के बदले भारत के 4, और भारत के 2 के बदले ऑस्ट्रेलिया के 1। यह समीकरण कुछ समझ आया? नहीं आया तो वो बताऊंगा। दरअसल भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले 2 टेस्ट मैचों के लिए जो है वो टीम की घोषणा कर दी है, उसी पर बातचीत करने जा रहा हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। ऑस्ट्रेलिया ने कुछ दिन पहले ही भारत में टेस्ट सीरीज के लिए अपनी टीम की घोषणा की थी और उसमें 4 स्पिनर्स को स्थान दिया था, जिसमें नाथन लियोन थे, एस्टन एगर थे, इसके अलावा मिचेल स्वेप्सन थे और टॉड मर्फी थे। तो ये 4 स्पिनर ऑस्ट्रेलिया लेकर आ रहा है। तो भारत ने जो टीम घोषित की है टेस्ट मैचों के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले 2 टेस्ट मैचों के लिए, उसमें 4 स्पिनर्स ही शामिल किए हैं, मतलब उसके चौके पर भारत ने भी चौका लगाया है। स्पिनर्स के मामले में अगर हम बात करें तो भारत के जो 4 स्पिनर्स हैं वो कौन कौन हैं? तो रविचंद्रन अश्विन है, अक्षर पटेल हैं, कुलदीप यादव हैं और रविंद्र जडेजा की वापसी हो रही है। तो ये है भारतीय टीम, मतलब भारतीय टीम भी अपने स्पिनर्स पर बहुत कुछ डिपेंडेंट रहेगी और ये एक संदेश है। जैसा कि ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि वो अपने स्पिनर्स के साथ भारतीय टीम पर आक्रमण करने या भारतीय टीम को घेरने का प्रयास करेगी, तो वहीं भारत ने भी जवाब दे दिया कि आइए, वेलकम है आपका, हम भी अपने स्पिनर्स के साथ आपके इंतजार में हैं। जहां तक बैटर्स की बात है तो अगर ऑस्ट्रेलियाई टीम में 7 बैटर्स हैं तो उनके सत्ते पर भारत ने भी सत्ता लगाया है, मतलब भारतीय टीम में भी 7 ही बैटर्स हैं। अगर हम बात करें कि कौन कौन से बैटर्स हैं तो कप्तान रोहित शर्मा हैं, केएल राहुल उप कप्तान हैं तो वो भी हैं, शुभमन गिल हैं, विराट कोहली हैं, ये 4 हो गए। इसके अलावा चेतेश्वर पुजारा हैं, श्रेयस अय्यर हैं और हां एक नाम चौंकाने वाला, सूर्य कुमार यादव की एंट्री टेस्ट टीम में भी हो गई है। तो सूर्य कुमार यादव भी टेस्ट टीम में शामिल किए गए हैं। तो ये 7 बैटर्स के साथ टीम इंडिया कंगारुओं के सामने होगी। तो ये तो हो गई, जो अगर हम तुलना कर रहे हैं तो उनके 4 स्पिनर्स के बदले भारत में के भी 4 स्पिनर्स और उनके 7 बैटर्स के सामने भारत ने भी उतारे 7 बैटर्स। अब अगर हम विकेट कीपर की बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई टीम कैरी को लेकर आ रही है, एकमात्र विकेट कीपर है और हैंडस्कॉम जो है वो बैकअप विकेट कीपर होंगे। तो भारतीय टीम जो है 2 विकेट कीपर जो है वो उतारने जा रही है, जिसे अपनी टीम में उन्होंने शामिल किया है। उसमें जो है एक केएस भरत हैं जो कि पहले से टीम में बने हुए थे और वो अपना दावा रेगुलर टेस्ट मैचों में खेलने के लिए ठोक ही रहे हैं, लेकिन अब उसमें दूसरा नाम भी जुड़ गया है। चूंकि ऋषभ पंत चोटिल हो गए हैं और वो इस सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे, तो ऐसी स्थिति में ईशान किशन को टेस्ट टीम में मौका मिला है। जी हां, ईशान किशन जो कि झारखंड के लिए रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, उनको मौका मिला है भारत की टेस्ट टीम में भी। तो अब देखना यह है कि प्लेइंग 11 में किस विकेट कीपर को मौका मिलता है। अगर हम देखें ऋषभ पंत की बल्लेबाजी का जो अंदाज था वो कुछ कुछ ईशान किशन से मिलता जुलता है, या एक आप प्योर विकेट कीपर, चूंकि भारत कई सालों से पिछले 1-2 सालों से टीम के साथ रहे हैं तो आप उन्हें अवसर देते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा प्लेइंग 11 में। खैर, तो उनके एक विकेट कीपर के बदले जो है भारत ने 2 विकेट कीपर उतारे हैं और बैटिंग में अगर हम कहें तो ईशान किशन का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। लेकिन जहां तक तेज गेंदबाजों की बात है तो उसमें ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा आपको थोड़ा सा भारी दिखेगा। भारी इसलिए दिखेगा क्योंकि वहां पर 5 तेज गेंदबाज हैं और सभी 1 से 1 हैं। अगर आप कहें तो मिचेल स्टार्क की आप बात कर लें, इसके अलावा जोश हेजलवुड की बात कर लें, पैट कमिंस तो कप्तान ही हैं, इसके अलावा लॉन्स मॉरिस और स्कॉट बॉलेंड अगर उनके पेस बॉलर हैं, तो अगर हम भारतीय टीम की बात करें तो भारतीय टीम ने 4 पेस बॉलर को अपनी टीम में शामिल किया है और वो 4 पेस बॉलर कौन कौन है? जसप्रीत बुमराह नहीं है, मतलब उनकी वापसी नहीं हुई है, वो अभी भी चोटिल हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पहले 2 टेस्ट मैचों के लिए टीम है, हो सकता है कि अगर वो अपनी फिटनेस प्राप्त कर लें तो आगे
टीम के साथ जोड़ लिए जाएं। लेकिन फिलहाल जो चार नाम है वो आपको बता देता हूं, तो मोहम्मद शमी है, मोहम्मद सिराज हैं, उमेश यादव हैं और जयदेव उनाडकट भी टीम में अपनी जगह बचाए रखने में सफल रहे हैं। तो उनका पंजा है गेंदबाजी के मामले में, तो भारत का चौका है, तो भारत ने चार गेंदबाज के साथ अपनी टीम चुनी है। भारत के साथ एक अच्छी बात यह है कि अगर हम ऑलराउंडर्स की बात करें तो वहां पर ग्रीन हैं, लेकिन उस तरह के और जो ऑलराउंडर्स हैं वो ऑस्ट्रेलियाई टीम में नहीं है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो टेस्ट मैचों के लिहाज से आपको रविचंद्रन अश्विन एक प्योर ऑलराउंडर हैं, रविंद्र जडेजा एक प्योर ऑलराउंडर हैं, अक्षर पटेल एक प्योर ऑलराउंडर हैं और यहां तक कि कुलदीप यादव ने भी अपनी बैटिंग में अब बहुत सुधार कर ली है, तो आप उन्हें भी कमतर नहीं आंक सकते। लेकिन कम से कम तीन स्पिनर्स को, जिसमें कि अश्विन, जडेजा और अक्षर पटेल की मैं बात करूं, इन्हें तो आप प्योर ऑलराउंडर की श्रेणी में रख ही सकते हैं। तो ये जो टेस्ट सीरीज होने जा रही है वो बहुत ही रोचक होने जा रही है। अगर आप दोनों टीमों की तुलना करें और आप उनकी शक्ति की परख करें और उसे आंकने की कोशिश करें, दोनों टीमों की का जो मजबूत पक्ष है और जो कमजोर पक्ष है उस पर ध्यान दें, तो ये आपको लगेगा कि हाँ, ये जो टेस्ट सीरीज होने जा रही है वो दुनिया की नंबर एक टीम और नंबर दो टीम के बीच होने वाली है, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो अभी चल रही है रैंकिंग 2021 से 2023 के लिए जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो रहा है उसमें ऑस्ट्रेलिया नंबर वन है, तो भारत जो है वो नंबर टू है और इन दो टीमों के बीच ही ये मुकाबला है। अगर भारतीय टीम इसमें अच्छा प्रदर्शन करती है तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी पहुंच सकती है और भारत को भारत के घर में ही हराना किसी भी टीम के लिए मुश्किल होता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया ही क्यों ना हो। भले ही उसका मनोबल वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका को हराने के बाद बढ़ा हुआ है, लेकिन भारत में आके कई विजयी रथ रुक जाते हैं। तो भारतीय टीम को हमारी शुभकामनाएं, अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।